बोकारो में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने को लेकर झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन और बोकारो स्टील के बीच कई दौर की बात हो चुकी है। ऐसे में आज झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्वाध्यक्ष अमिताभ चौधरी बोकारो पहुंचे, जहां उन्होंने अपने बोकारो निवास में सेल के अधिकारियों और विधायक संघ बैठक की। इस दौरान कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। अमिताभ चौधरी ने कहा कि बोकारो में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने के लिए 10 से 15 दिनों में कोई ठोस पहल होती नजर आएगी। प्रस्तावित स्टेडियम है, उसके लिए जिन जिन आवश्यकताओं की जरूरी है, उसके लिए जो स्टील कंपनी है उसकी सहमति आवश्यक था। फिर क्रिकेट स्टेडियम और क्रिकेट फील्ड के जो आकार और प्रकार हैं उनका उस में समावेश होना आवश्यक था। तो इन सब पर आज ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि सहमति बनी है। ये एक सप्ताह 10 दिन में स्पष्ट हो जाएगा कि सहमति ऐसी बनी है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। वहीं विधायक बिरंची नारायण ने भी स्टेडियम के मुद्दे पर अपना पक्ष रखा। और मैं बहुत आभारी हूँ, फिर से कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि माननीय अमिताभ चौधरी सर ने और अमरेंद्र प्रकाश जी ने, दोनों ने मिलकर बोकारो के जो क्रिकेट प्रेमी उनके सपने को साकार करने के लिए 2 कदम आगे बढ़ाया है। और पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आने वाले सप्ताह 10 दिन के अंदर हम लोग सही निर्णय पर पहुंचेंगे और बोकारो वासियों का सपना पूरा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।